नमस्कार, मैं अमृतलाल सोलंकी, लेक्चरर आंग्ल भाषा। आपका मैं हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आई एम अमृत सोलंकी एंड आई वेलकम यू टू अवर स्कूल्स YouTube चैनल। आज मैं आपको कंडीशनल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। कंडीशनल का मतलब है शर्त युक्त वाक्य। अंग्रेजी सीखने के लिए हमें वाक्यों का स्ट्रक्चर या उसकी रचना हमें पता होनी चाहिए। अब हम कंडीशनल कई प्रकार के होते हैं, इसमें एक कंडीशनल पहले लेता हूं जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। यह स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि एक उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कॉमा, सब्जेक्ट, वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ हिंदी में निम्न प्रकार से निकलता है। जैसे यदि मैं धनवान हूं तो आपकी सहायता कर लूं। यदि मैं एक अध्यापक हूं तो आपको पढ़ा लूं। इस प्रकार के वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। यदि मैं एक अध्यापक हूं तो आपको पढ़ाऊं। अब दूसरा एक सेंटेंस और हिंदी में लिख देता हूं। यदि वह धनवान होवे तो वह हमारी सहायता करे। इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुदित निम्न प्रकार से करते, इस स्ट्रक्चर के अनुसार करते हैं। सबसे पहले यदि के लिए हमें इफ का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम इफ लेंगे। यदि मैं एक अध्यापक हूं, यहां पे सब्जेक्ट मैं, सब्जेक्ट मैंने यहां पे लिख दिया आई। यहां पर इस स्ट्रक्चर में यहां हो शब्द के लिए वर ही आएगा, यहां वर्ब का प्रयोग हमें नहीं करना है। इफ आई वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रह गया यहां पे एक अध्यापक।
इफ आई वर टीचर कॉमा तो आपको पढ़ाऊं, यानी मैं आपको पढ़ाऊं, आई वुड, यहां पर वुड लिखा आई वुड और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना को कहते हैं टू टीच, तो यहां पर टीच वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और आपको मीन्स यू। तो यदि मैं अध्यापक हूं तो आपको पढ़ाऊं, इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच यू। दूसरा जो वाक्य यहां पर है, यदि वह धनवान होवे तो, यदि इफ लगाना है और इसके बाद में यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह ही, इफ ही और ही के साथ में भी वर्ब लगाना है, वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। इफ ही वर रीच, धनवान को कहते हैं रीच, इफ ही वर रीच यहां पर वह हमारी सहायता करे, तो ही है यहां पर सब्जेक्ट, ही लगा देते हो और वापस वुड लगाएंगे, ही वुड हेल्प। और हमारी, तो हमारी तो अस लगाएंगे यहां पर, तो बिल्कुल आसान तरीका है, यदि आपके वाक्य में हो, होवे और यहां पे अंत में पढ़ाओ, जाओ, खाओ या खाए, पढ़ाए, करे, तो इस प्रकार से हमें वाक्य बनाने हैं। एक अन्य उदाहरण, यदि यदि टीम ईमानदार होवे तो यह संसार ही बदल जाए। यदि चीन ईमानदार हो, यदि यहां पर इस और यहां सब्जेक्ट जो है चीन है, चाइना, इफ चाइना वर ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट, इफ चाइना वर ऑनेस्ट अब यहां पर बदलने वाला संसार है तो सब्जेक्ट यह हो जाएगा दिस वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड वुड चेंज। तो मित्रों, आपको इस वाक्य की रचना समझ में अवश्य आई होगी।
हम इसी के ऊपर और भी कुछ उदाहरण लेते हैं। यदि हम परिश्रमी हुए तो हमारा देश विकसित हो जाए। यदि हम परिश्रमी हो तो यहां पर भी हम पहले इफ का प्रयोग करेंगे, यदि है इसलिए इफ, यहां पर सब्जेक्ट हमारे हम है, वी और होवे, इसलिए यहां पर वर्ब लगा दिया। इफ वी वर परिश्रमी को कहते हैं, हार्ड वर्किंग पीपुल या वर्कर कहते हैं, तो हमारा देश विकसित हो जाए। हमारा देश यहां पर सब्जेक्ट है, आवर कंट्री, आवर कंट्री वुड हो जाए, बन जाए, बीकम डेवलप्ड, तो यदि हम परिश्रमी हो भी तो हमारा देश विकसित हो जाए। इफ वी वर हार्ड वर्किंग पीपुल आवर कंट्री वुड बीकम अ डेवलप्ड वन, या वन भी जोड़ सकते हैं, यानी विकसित देश हो जाए या विकसित हो जाए। अगर यहां पर आप वन हटा देते हैं तो भी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। यदि यदि देश में मांग बढ़ जाए तो कीमतें कम हो जाए, कीमतें
कम हो जाए। तो यहां पर इस लगाएंगे इस यदि के लिए, इस और बढ़ने का यहां से मांग है डिमांड इन द कंट्री, इस डिमांड इन द कंट्री वर हाई, यहां बढ़ने का मतलब ऊपर की तरफ जाना, इसलिए हाई। तो प्राइसेस, अब कीमतें का मतलब प्राइसेस, प्राइसेस अब वुड लगाना ही हमें, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या कम डाउन लिख देते, प्राइसेस वुड कम डाउन। मैं आशा करता हूं कि यदि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट then you can personally contact me on the phone number which I write here on the blackboard. My mobile number is 9829303296. You can contact me without hesitation regarding any problem which you face. Thank you so much.